हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेफ बुरहान। दोस्तों मैं आज आपको बताएगा मैसूर की फेमस चिकन दम बिरयानी कैसे बनाते हैं। मेरे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ये रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें गाइस। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताएगा मैसूर का फेमस बिरयानी कैसे बनाते हैं, चिकन दम बिरयानी। यह हमारा इंग्रेडिएंट्स है, टमाटो, टेबल टमाटो, ऑनियन स्लाइस कट, गार्लिक जिंजर पेस्ट, ग्रीन चिल्ली, पुदीना, धनिया पत्ता, दही, ऑयल, घी और इंडियन स्पाइसेस, गरम मसाला। हम ऐड करेंगे अभी ऑयल। ऑयल हमने 200 ml और घी हमने 200 ml लिया है। इसे ढंग से हम इसको थोड़ा गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे इंडियन स्पाइसेस, जो हमारे पट्टा, लौंग, इलायची ये सब है, ये डालेंगे। इसे ढंग से हम इसको भी थोड़ा सा फ्राई होने के बाद में ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऑनियन, स्लाइस ऑनियन हमने 1 किलो स्लाइस किया है, इसको हम ऐसा ब्राउन कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। अच्छा ब्राउन होना है, गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। ऐसे अब हम ऐड कर लेंगे इसमें ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली हमने 10-12 ग्रीन चिल्ली लिए हैं, 10-12 पीस। इसे ढंग से इसको अच्छा ढंग से गोल्डन कलर हो जाना चाहिए। बाद में हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक और जिंजर पेस्ट। 200 ग्राम हमने इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड किया है, इसको भी साथ में फ्राई कर लेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट को। अब ऐड कर लेंगे टमाटोस। टमाटो भी हमने 1 किलो कट किए हैं। टमाटो को भी अच्छा बॉईल कर लेना है, मैश हो जाना चाहिए ऐसे ढंग से। अब ऐड कर लेंगे ये पुदीना और धनिया। ऐसे ढंग से टमाटो हमारा पूरा मैश हो जाना चाहिए। प्रॉपर हो चुका है। अब ऐड कर लेंगे हम इसमें दही। दही भी हमने 1.5 लीटर लिया है, 250 ग्राम। साथ में हम इसको अच्छा ढंग से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे चिल्ली पाउडर, कश्मीर चिल्ली पाउडर। 2 स्पून हमने कश्मीर चिल्ली पाउडर यूज किया है और 2 स्पून देगी चिल्ली पाउडर, देगी चिल्ली पाउडर या 1/2 स्पून हमने हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर 1 स्पून, 2 स्पून हमने इसमें धनिया पाउडर यूज किया है। बस और अब हम इसमें थोड़ा ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर, ड्राई कोकोनट पाउडर। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कोकोनट पाउडर डाले तो। बस ये अब मसाला रेडी हो चुका है। अब हम ऐड कर लेंगे चिकन। चिकन हमारा 2 kg चिकन है, 2 kg चिकन, 2 kg राइस। ऐसे ढंग से हम इसको साथ में मसाले के साथ में थोड़ा सा 10% बॉईल करना है। बस 1 लीटर हमने पानी यूज किया है, 1 लीटर पानी के साथ में इसको थोड़ा बॉईल कर लेंगे, 10% बॉईल करना है।
अब हम 2 स्पून इसमें सॉल्ट यूज कर रहे हैं। जब तक मसाला होते रहता है हम राइस बॉईल कर लेंगे। हमने बिरयानी लीव्स 4-5 बिरयानी लीव्स डाले पानी में। सॉल्ट हमने पानी में भी डालना है, इसमें पानी जो हमने बॉईल किया है राइस बॉईल करने के लिए, इसमें भी हमने सॉल्ट डालना है। राइस के साथ में बराबर होना चाहिए सॉल्ट, ऐसे ढंग से टेस्ट के हिसाब से डालना है। कलर के लिए हम थोड़ा इसमें यूज करेंगे हल्दी पाउडर, राइस में थोड़ा कलर आने के लिए। ऐसे बराबर ढंग से हम इसमें आप डाल देंगे राइस। 2 kg राइस हम दम लगाएंगे, चिकन दम बिरयानी मैसूर स्टाइल। ऐसे ढंग से प्रॉपर हमारा 80% हमने बॉईल करना है राइस, 20% हम इसको दम में बॉईल करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा राइस हो चुका है, अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ऐसे छन्नी में छान लेना है। छानने के बाद में हम इसको फिर मसाले में, जो हमारा चिकन का मसाला बना हुआ था उसमें हम इसको ऐड करेंगे। थोड़ा हमने पहले ऊपर से इसकी मसाला निकाल लेना है ऊपर डालने के लिए। ऐसे ढंग से राइस को हम ऐड कर लेंगे। अभी बराबर ढंग से हमने राइस पतीले में डाल दिया है। अब हम ऊपर से इसमें जो मसाला हमने निकाला था वो मसाला ऐसे ऐड कर लेंगे। परफेक्ट दम बिरयानी है। ऐसे ढंग से हम इसको अब रख लेंगे दम के लिए। ऐसे हम इसके ऊपर सिल्वर फॉइल, नहीं तो दम का कपड़ा भी मिलता है वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ढंग से हम इसको 15 मिनट दम पे रखेंगे। 15 मिनट हमने इसको दम पे रखना है तवे में। हमारा टाइम अभी 15 मिनट हो चुका है। अब हम इसको खोलेंगे दम, देख सकते हैं। माशाल्लाह परफेक्ट हमारा बिरयानी जो है बराबर ढंग से दम लग चुका है। अब हम देख लेंगे, देख सकते हैं आप बिल्कुल नहीं इसमें चिपका है वो लैडल में, खुरपी में नहीं चिपका, देख सकते हैं। एक एक दाना अलग अलग है, परफेक्ट हमारा राइस दम लग चुका है। ऐसे हम इसको खोलेंगे इसका पूरा पेपर, इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से हिला लेंगे। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर।